हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड में विकास ऑक्शन और आप देख रहे विकास जी टेक। फ्रेंड आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूँ 100+ ब्राउजर एंड ट्रांसलेट वीपीएन ऐप के बारे में, या क्या इसे कैसे यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में सर्च कर देना होगा और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3.9 की रेटिंग, 10 लाख प्लस डाउनलोड भी है। यदि आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते तो अबाउट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, आप इस पर क्लिक करके जानकारी भी ले सकते हैं। नहीं तो आपको इसे कर देना होगा ओपन। जैसे आप इसे ओपन कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग होने लगेगा। फ्रेंड आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फ्रेंड वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लोडिंग होने देना है। जैसे लोडिंग हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऐड भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड क्लोज कर देना होगा। जैसे आप ऐड क्लोज कर देते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वीपीएन मिल जाता है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको ओके कर देना होगा। यदि आप नहीं कनेक्ट करना चाहते तो आपको क्रॉस कर देना होगा। जैसे आप क्रॉस कर देते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे OCR ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड VPN का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्वर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे आपको बहुत सारा ब्राउज़र भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम या गूगल, अमेजोन या यूट्यूब या टिकटॉक, यहाँ पे ट्विटर या हुक का ब्राउज़र देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको VPN सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वाइज के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यह VPN आपके फ़ोन में कनेक्ट होने लगेगा। जब यह आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा तभी यह ऐप अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको VPN कनेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट ट्रांसलेट और यहाँ पर OCR ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टेस्ट मतलब लिख के ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टेस्ट ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी आपको ट्रांसलेट करना है अपना यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी भाषा में आप यहाँ से उस भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहां से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिस लैंग्वेज को आप दूसरे लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं या ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से बारी बारी से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिख के ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OCR ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको OCR ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ का परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ कर देते हैं, अब यदि आप फोटो खींच कर कुछ भी ट्रांसलेट करना चाहते तो आप यहां से फोटो खींच के ट्रांसलेट कर सकते हैं। नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां से अपना बारी बारी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज है जो कि लिखा गया है, और उसे फोटो खींच के किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से कैमरे की मदद से आप फोटो खींच सकते हैं और उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड क्लोज कर देना होगा। जैसे आप ऐड क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप टिकटॉक देखना चाहते हैं तो आप इस ऐप की मदद से टिकटॉक भी चला सकते हैं, याहू चला सकते हैं, यहाँ पे आपको फेसबुक भी चला सकते हैं आप इस ऐप की मदद से। ऊपर आपको सर्च बार भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कोई ब्राउजर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी ब्राउजर सर्च कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से कोई भी ब्राउजर सर्च करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टू लाइन का ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको प्लस न्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से नया टैब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नया टैब भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या रेटिंग देना चाहते हैं, प्राइवेसी जानना चाहते तो आप जान सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।